30 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। अब पंचायत प्रधान भी जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं। पंचायत प्रधानों का कहना है कि पंचायत सचिवों और तकनीकी सहायकों की हड़ताल से पंचायत के विकास के काम ठप हो गए हैं। जिला मुख्यालय नाहन में BDO कार्यालय परिसर में लगातार जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रतिदिन इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर अब पंचायत प्रधान और उप प्रधान भी पहुँच रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि इनकी मांगें मानी जानी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत सचिव किसी भी ग्राम पंचायत की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और इनके बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्दी इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे ताकि विकास कार्य पटरी पर लौट सके। 11 दिन से हड़ताल चली हुई है जिसमें सेक्रेटरी, टेक्निकल सहायक और सहायक और हमारे सचिव वगैरह हैं, तो इनकी जो मांग बहुत जायज है। ये रीढ़ की हड्डी है, प्रधान बिना सेक्रेटरी का अधूरा है। जो भी कार्य हो रहे हैं वो सेक्रेटरी के हिसाब से होते हैं। जैसे 15वीं तारीख का ही मसला है, ऑनलाइन कैश बुक होनी है। जो इन्होंने शक्तियाँ दी है अपने सिलाई सेंटर और GRS को, सिर्फ मात्र एक मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य सर्टिफिकेट है। फाइनेंशियली जो पावर है वो सिर्फ सेक्रेटरी और प्रधान को ही होती है। तो मेरी भाई सुखविंद्र सुक्खू प्रधान मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी करें और हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, क्योंकि 1.5 साल हमारा कोरोना काल में ख़त्म हो गया, 3 महीने हमारे आपदा में ख़त्म हो गए और आने वाले चुनाव में 6 महीने का टाइम इसमें हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी सबसे उम्मीद और विश्वास ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और पंचायती राज मंत्री इनकी मांगें पूरी करें और जल्दी जल्दी इनकी मांगों को बहाल करें।